सो गाइस अभी हम ये व्यूइंग पॉइंट पे आए हैं ऊपर। ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, काफ़ी सारे बोर्ड्स है यहाँ पे जिस पे लिखा है एनिमल्स क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। हवा इतनी तेज़ है, ये जो नीचे जो बह रहा है पानी उसके ड्रॉपलेट्स हवा के साथ ऊपर आ रहे हैं। तो गाइस अभी हमने हाईवे से राइट लिया है, ये रास्ता जाता है जॉब फॉल्स। जॉब फॉल्स यहाँ से 61 किलोमीटर है, तो हमें लगभग 1.25 से 1.5 घंटे लगने चाहिए, उससे कम ही लगेगा बट अप्रॉक्सीमेट टाइम 1.25 घंटा लगेगा। सो गाइस अभी हम लोग जॉग फॉल से अराउंड 25 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हो ये वापस ग्रीनरी शुरू हो गई है एंड रोड एकदम मस्त है, बिल्कुल खड्डा वड्डा नहीं है, एकदम स्मूथ है, काफ़ी सारे ट्विस्टीज है तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने के लिए। वैसे तो पानी ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन अभी हम लोग इस तरफ आए हैं तो देखना ज़रूरी है, बारिश में कभी हो सके तो आ भी जाएंगे लेकिन तब के लिए अभी कौन राह देखेगा, अब आए हैं तो अभी देखेंगे। गाइस एकदम मस्त है माहौल, क्लाइमेट चेंज हो गया पूरा, जो जो गर्मी हो रही थी वो अभी नहीं है बट धमाल आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट देख के, आप देख सकते हो ये काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं, मतलब बहुत शार्प टर्न्स है, आपने देखा रहेगा, ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि नहीं तो पूरे 3 घंटे की फिल्म बनेगी, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक व्यूइंग पॉइंट है, मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी। सो गाइस अभी हम ये व्यूइंग पॉइंट पे आए हैं ऊपर, आप देख सकते हो ये कौन सी नदी है भाई, ये नदी कौन सी है, शरावती। तो गाइस ये शरावती नदी है, शायद से सुबह हमने क्रॉस किया था ये ब्रिज, ये है शरावती रिवर, शरावती रिवर है ये, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, मैंने बोला था वहाँ पे कि ये शरावती नदी है तो ये वहाँ तक जाती है, दिस इज रियली रियली ब्यूटिफुल। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि अभी हमको आगे जाना है, ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, काफ़ी सारे बोर्ड्स है यहाँ पे जिस पे लिखा है एनिमल्स क्रॉसिंग वगैरह वगैरह, तो काफ़ी यहाँ पे जानवर होंगे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं जॉग फॉल्स, बैटरी ख़त्म हो गई थी, कभी ख़त्म हुई मैंने देखा ही नहीं, अभी पता नहीं क्या क्या कैप्चर हुआ लेकिन अच्छे अच्छे सीन थे।
सो गाइस, ये लोकेशन पे अच्छा खासा बनाया, हमें लगा था ऐसे ही कुछ वाटरफॉल रहेगा, बट द वे दिस हैज बीन मेड, बहुत अच्छी तरह से बनाई है। शायद से ये अकोमोडेशन रहेगा टूरिज्म डिपार्टमेंट का। और हमें फॉल्स की आवाज़ आ रही है, दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज़ अच्छी खासी आ रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको लगा था कि बारिश नहीं है तो बस पत्थर दिखेंगे, बट देन वी कैन एक्सपेक्ट सम वाटर एज वेल। तो हमारे दोस्त मोबाइल में व्यस्त हैं, पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड पाल के रखी है। सो गाइस, हम लोग पॉइंट पहुंच रहे हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम रियली अमेजिंग व्यू। ओहो, ऑलरेडी हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सो आप विश्वास नहीं करोगे, बारिश में ये पूरा दिख रहा है, ये चारों तरफ से है ना पानी बहते रहता है। अभी सिर्फ ये दो या तीन स्ट्रीम्स है, तीन चार स्ट्रीम्स है, लेकिन ये पूरा पानी से बहते रहता है। गाइस, सी द व्यू, एकदम जबरदस्त, पैसा वसूल व्यू है भाई। यार ये छतरी किसने बनाई बीच में, दिख नहीं रहा इसके वजह से पूरा। बारिश में आप आओगे तो देखिए, ये पॉइंट से गोल चारों तरफ से, मतलब तीन तरफ से पानी आता है। This place is really amazing, guys. Once you should be visiting here, at least once. मैं तो कहता हूँ इंडिया में जितनी सारी जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस है, आपको कम से कम एक बार तो वहाँ पे जाना है। तो गाइज, मैं सोच रहा था कि हल्की बारिश हो रही है, बाद में पता चला कि हवा इतनी तेज़ है, ये जो नीचे जो बह रहा है पानी, उसके ड्रॉपलेट्स हवा के साथ ऊपर आ रहे हैं, तो रियली ब्यूटिफुल। बारिश में आओ तो याहू में होएगा यहाँ पे। अभी हम राइट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पहले लेफ्ट गए थे। यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स हैं जॉब फॉल्स देखने के लिए, मुझे लगता है इस तरफ से और अच्छा व्यू आएगा। गाइस, आप ध्यान से अगर देखोगे सामने, अभी पता नहीं ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन उस तरफ है ना पूरा नीचे जाने तक सीढ़ियां हैं। अगर ध्यान से देखोगे, ये ऊपर से स्टार्ट होता है और ये नीचे जाती है। अभी फुर्सत में आएंगे तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम जॉग फॉल्स देख के हो गए और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। आप बोलते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट है, हम लोग चेक करते हैं वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं तो फिर यहाँ से अलविदा। ये पार्किंग एरिया में अभी, और यहाँ से हमने लिया है नारियल पानी, बहुत प्यास लगी थी, गर्मी भी काफ़ी है, हम इसे देसी स्टाइल से पियेंगे। इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग। सो गाइस, यहाँ पे ये बोर्ड लगे हैं जिन पे ये जॉग फॉल्स है, ये सब लोकेशंस का डिस्टेंस कितना है वो बताया गया है। तो हमको यहाँ से अभी जाना है गोकर्ण, विच इज़ 111 किलोमीटर्स। सो याना केव्स इज़ वन ऑफ द पॉइंट विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन वो ट्रैक है और इतना टाइम नहीं था हमारे पास, नहीं तो वी वुड हैव गॉन देयर। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं जॉग फॉल से, और पेट्रोल का मुझे थोड़ा अंदाज़ा चूक गया, मुझे लगा पेट्रोल पम्प रहेगा,
लेकिन यहाँ पे आसपास पेट्रोल पंप नहीं है। तो एक पॉइंट पे आया था, तो मैंने क्या किया अभी यहाँ से वो गाँव में से एक लीटर पेट्रोल हमने लिया है और 125 रुपीज़ लीटर, बट देन 125 वो प्रीमियम में हमको पीस ऑफ माइंड मिला है। तो ये घाट उतरने के बाद जैसे ही कोई पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ पे हम फुल कराएंगे। बाकी साहब देख सकते हो यहाँ पे कितने ट्विस्टीज है, तो बेस्ट रोड फॉर अ बाइकर मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे आपका पूरा स्किल टेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कैसे ट्विस्टीज है यहाँ पे, मतलब बेहिसाब ट्विस्टीज है। कुछ 50 किलोमीटर ये पूरा ऐसे बोल रहा है, इसे मारूंगा भी ले जाके को करना साले, अगर ये मिस हो गया होता तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती फिर। हाँ पूरे बात सही है भाई, ये 50 किलोमीटर पूरा ये ऐसा ट्विस्टीज है। देखिए ये तो काफी अच्छा है, इससे भी गंदे ट्विस्टीज हैं। हेलो गाइस, वीडियो लंबा होने की वजह से आज का ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। होप सो अब तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए।